तो चलिए आज हम लोग साइंस के 7th क्लास का चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम 6th क्लास में भी न्यूट्रिशंस और न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर इन सब चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं कि न्यूट्रिशन फूड क्यों ज़रूरी है, कैसे ज़रूरी है। ये सारी बातें हम कर चुके थे। अब हम 7th क्लास में पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इसको हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स। इन क्लास 6 यू हैव लर्न दैट फूड इज़ असेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। 6th क्लास में आप पढ़ चुके थे कि फूड जो है हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ज़रूरी है। यू आल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। आप ये भी पढ़ चुके थे कि विटामिन्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स ये सब फूड के कंपोनेंट हैं और इन कंपोनेंट्स को न्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है और ये हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, ठीक है ना। ये सब हम पढ़ चुके थे। अभी इस चैप्टर में हम बिल्कुल जल्दी जल्दी एक समरी से कवर करके इस चैप्टर को जल्दी से जल्दी कवर कर लेंगे, ठीक है ना। मैं बहुत डीपली नहीं पढ़ाऊँगा। सबसे पहले मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो न्यूट्रिशन के मोड हैं तो उसको वो हम पढ़ते हैं। न्यूट्रिशन इनेबल्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडी। न्यूट्रिशन जो है उसकी वजह से वो इनेबल कर देता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जिससे वो अपनी बॉडी को ग्रो कर सकें, रिपेयर कर सकें डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडी एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट द लाइफ प्रोसेस। अपने लाइफ के प्रोसेस को वो आगे कंटिन्यू कर सकें। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। न्यूट्रिशन एक मोड है जिसमें फूड लिया जाता है ऑर्गेनिजम्स के ऑर्गेनिजम्स द्वारा और यूटिलाइजेशन कर सकें वो अपनी बॉडी को, बॉडी के अंदर उस फूड्स को। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेज इज कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। दो तरीके के, दो चीज़ें होती हैं, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्फ। ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद बना रहे हों, ठीक है ना, सो वो ऑटोट्रॉप्स, सेल्फ ट्रॉप्स, ठीक है ना, और इन्हीं इन्हें ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। और एनिमल्स एंड अदर मोस्ट मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक द फूड टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। जो प्लांट्स के थ्रू या एनिमल्स के थ्रू, किसी दूसरे एनिमल से प्लांट्स के थ्रू बने हों, उन्हें हेटरोट्रॉप्स कहा जाता है। प्लांट्स जो है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, उसके प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। तो हम यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले ग्रीन प्लांट्स सिंथेसिस देयर फूड देमसेल्फ बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दे आर ऑटोट्रॉप्स। सो ग्रीन प्लांट जो है वो अपना खुद फूड प्रिपेयर करते हैं और इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस के बारे में, ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, जो कि पाया जाता है ग्रीन प्लांट्स में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच इज़ टेकन फ्रॉम द एनवायरमेंट इन द एंड प्रेजेंट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और सनलाइट के थ्रू भी। दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। हम आगे चलते हैं। उसमें एक आपको सेल्स के बारे में बता रखा है, थोड़ा बहुत बता देता हूँ। 8th क्लास में हम पूरा एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। सेल्स के बारे में हम पढ़ते हैं। सेल्स क्या होता है? यू हैव सीन दैट द बिल्डिंग आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स। आपने देखा है कि एक इमारत जो है, एक बिल्डिंग जो है, वो ईंटों की बनी हुई होती है। वैसे ही बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। ऐसे ही आपकी ह्यूमन बींग की जो एक बॉडी है, ह्यूमन प्लांट्स, एनिमल्स, जितने भी, इन सबकी एक बॉडी जो है बनी हुई होती है टाइनी टाइनी यूनिट से, जिन्हें सेल्स कहा जाता है। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। सेल्स को आप माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। कुछ सेल्स एक सेल के थ्रू बने हुए होते हैं और ह्यूमन के जो है वो मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुत सारे सेल्स से बने हुए होते हैं, और कुछ एक सेल से भी ऑर्गेनिजम्स चल रहे होते हैं, यूज बॉडी मूव कर रही होते हैं। द सेल इज एनक्लोज बाय अ थिन आउटर बाउंड्री दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। आप देख रहे होगे फिगर में, एक सेल है और सेल को आउटर कवर जो बाउंड्री है उसे सेल मेम्ब्रेन कहा जा रहा है, और एक सेल के अंदर बिल्कुल बीच में एक मोस्ट ऑफ द सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर, जैसे न्यूक्लियस कहा जाता है। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई अ जेली लाइक सब्सटेंस। और जो न्यूक्लियस है वो सराउंडेड होता है, पूरे से घिरा हुआ होता है, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये सेल्स के बारे में बात करी। अब हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ चुके थे थोड़ा बहुत। फोटोसिंथेसिस जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड बनाया जाता है, किस किस का यूज़ करके, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो कि ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, वो और जो कि सनलाइट है, इन सब चीज़ों के थ्रू ये
प्रोसेस कंप्लीट होता है। सो हम आगे चलते हैं, हम यहाँ पे फिगर भी देख रहे हैं, फिगर में देखो क्लोरोफिल जो है उस सब चीज़ों के बारे में। थोड़ा आगे चलते हैं, प्लांट यूज सिंपल केमिकल सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड। प्लांट जो है सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस को यूज़ करता है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल, किस लिए? अपना फूड सिंथेसिस करने के, बनाने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए अपना फूड। क्लोरोफिल एंड सनलाइट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल और जो सनलाइट है वो बहुत ज़रूरी रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस के सबसे ज़्यादा मेन रिक्वायरमेंट्स क्या है? क्लोरोफिल एंड सनलाइट। कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस सच एज कार्बोहाइड्रेट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वो भी एक प्रोडक्ट है उसके, फोटोसिंथेसिस के। सोलर एनर्जी, देखो आप सोलर एनर्जी देख रहे हो, सोलर एनर्जी जो सन से आप ले रहे हैं, सोलर एनर्जी उसको स्टोर करा जाता है इन द फॉर्म ऑफ फूड, फूड की फॉर्म में, एक फूड के उसको मान के, फूड मान के स्टोर किया जाता है इन द लीव्स, लीव्स के अंदर विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, जो कि क्लोरोफिल आप लीव्स में ही पाई जाती हैं, है ना। सो क्लोरोफिल हम पढ़ी चुके थे जो कि ग्रीन प्लांट्स में पाई जाती है, लीव्स में पाई जाती हैं, वो आप फिगर में देख ही रहे होगे क्लोरोफिल, ठीक है ना। सो उसमें सोलर एनर्जी स्टोर की जाती है, ठीक है ना। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, प्लांट्स अपने लिए खुद फूड बना रहे होते हैं, उसी टाइम पर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के टाइम पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है इसका मतलब यूँ नहीं बोल रहा कि प्लांट्स कंज्यूम कर रहे हैं उसे, प्लांट्स ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं बट इतना लेवल पे नहीं करते, ठीक है ना। उनको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, सो उसी टाइम पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही होती है, ठीक है ना। ऑक्सीजन रिलीज्ड इन द फोटोसिंथेसिस विच इज़ यूटिलाइज्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर सर्वाइवल। ऑक्सीजन जो है रिलीज करी जाती है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, जो कि यूटिलाइज की जाती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है ना। आगे हम चलते हैं, सो अब हमारा अदर टॉपिक जो है, नेक्स्ट टॉपिक है वो अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, कि कुछ और न्यूट्रिशन जो है प्लांट्स के अंदर होते हैं। देर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड। मतलब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता तो वो सिंथेसाइज नहीं कर सकते, अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते। दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप, उन्हें हेटरोट्रॉप कहा जाता था। सो उसके बारे में हम बात करते हैं, हेटरोट्रॉप्स के बारे में। सो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो पैरासाइट है, पैरासाइट के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ऑर्गेनिजम्स दैट लिव ऑन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो किसी दूसरी बॉडी पर लिव करते हों, जैसे दूसरी बॉडी पर उसकी दूसरी बॉडी पर लिव कर रहे हों, दीज आर पैरासाइट्स। दो तरीके के पैरासाइट्स होते हैं, पार्शल पैरासाइट एंड टोटल पैरासाइट्स। पार्शल पैरासाइट्स वो पैरासाइट्स होते हैं जो पार्शल डिपेंड होते हैं, थोड़ा बहुत उस पर लिव, उस दूसरे अदर ऑर्गेनिजम्स पे लिव करते हैं और थोड़ा बहुत अपने खुद पे भी डिपेंड करते हैं। जैसे कि कोई ऐसा प्लांट्स आप समझ लीजिए जो अपने आप से भी फूड प्रिपेयर करता हो और दूसरे से भी न्यूट्रिएंट्स जो है, न्यूट्रिशन वो सब करता हो, और टोटल पैरासाइट जो टोटल डिपेंड होता हो, ठीक है ना। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। ग्रीन प्लांट्स विच ऑब्टेन देयर नरिशमेंट पार्टली फ्रॉम सॉइल एंड एटमोसफेयर एंड पार्टली फ्रॉम स्मॉल इंसेक्ट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स इस तरीके के प्लांट्स होते हैं, ऐसे ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो अपना फूड नरिशमेंट जो होता है, भोजन जो अपना होता है, वो आधा सॉइल और एटमोसफेयर से प्रोवाइड करते हैं और आधा कुछ इंसेक्ट्स से प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल पिचर प्लांट, ब्लैडरवॉर्ट, इस सब के एग्जाम्पल हैं। आगे हम चलते हैं सेफ्रोट्रॉप्स। सेफ्रोट्रॉप्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। सो सेफ्रोट्रॉप ऑर्गेनिजम्स दैट ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल मैटर। सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ऑब्टेन करते हो अपना न्यूट्रिशन डेड एंड डिकेइंग, मरे हुए और सड़े हुए प्लांट्स एंड एनिमल्स के मैटर से अपना जो है ऑर्गेनिजम्स जो है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड अपने आप को देते हैं, किससे, किस पे? फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल मैटर। जो जैसे उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, फंगाई, जो फंगाई है ब्रेड जब सड़ जाती है तो वो बहुत दिनों तक, एक दिन से हम ऐसे ही रखते हैं उसी, तो फंगाई उस पर लग जाता है। सो दीज आर सेफ्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देखिए इसमें लिखा हुआ भी है, दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन फ्रॉम द ब्रेड, ब्रेड से बोला न्यूट्रिशन ब्रेड से ऑब्टेन करते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेफ्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सच ऑर्गेनिजम्स विद सेफ्रोट्रॉपिक मोड, और इन्हीं को सेफ्रोट्रॉपिक मोड कहा जाता है, और न्यूट्रिशन का इन्हें ही सेफ्रोट्रॉप्स कहा जाता है, ठीक है ना। सो
उसके बाद हम आगे चलते हैं, दो वर्ड हमारे हो रहे हैं, एक सिम्बायोसिस और एक लिचेंस। सिम्बायोसिस के बारे में बात करते हैं। सिम्बायोसिस मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन विच टू डिफरेंट इंडिविजुअल एसोसिएट विद ईच अदर टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ फूड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे न्यूट्रिशन एक दूसरे को कैसे प्रोवाइड कराया जा रहा है वो बुक में जो लिखा मैं वो पढ़ता हूँ। सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर, दो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ अपना शेल्टर, अपना न्यूट्रिएंट शेयर करते हैं। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, अभी तक हमने ऐसा नहीं पढ़ा था, तो कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो एक दूसरे से, कुछ प्लांट्स के टाइप्स जो ऐसे भी हैं जो एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और एक दूसरे से अपना न्यूट्रिएंट शेयर कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप को सिम्बायोसिस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल सर्टेन फंगाई लिव इनसाइड द रूट ऑफ प्लांट्स। कुछ एग्जांपल में बोला कि कुछ फंगाई जो है रूट्स के अंदर रहते हैं। द प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस, इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। सो क्या हो रहा है, एक दूसरे से रिलेशन है, एक दूसरे से एग्रीमेंट है, जिसमें फंगाई क्या कर रहा है, वो प्लांट क्या कर रहा है, प्लांट प्रोवाइड कर रहा है न्यूट्रिएंट, ठीक है ना, फंगस को, और फंगस क्या प्रोवाइड कर रहा है, वाटर और कुछ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। इसी रिलेशन को, ये जो फंगस और ये प्लांट्स को और एल्गाई और प्लांट्स के बीच में जो रिलेशन है, यही रिलेशन लिचेंस कहा जाता है। सो मेरी उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर में जितना भी मैंने अभी, अब हम लोग इनके कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं, जिसमें अगर हमारा कुछ टॉपिक रह भी गया हो तो वो हम समझ लेंगे, ठीक है ना। सो वाई डू ऑर्गेनिजम्स नीड टू टेक द फूड, ऑर्गेनिजम्स को फूड क्यों चाहिए। ऑर्गेनिजम्स नीड टू टेक द फूड टू गेट एनर्जी टू द वर्क, एनर्जी मिले काम करने के लिए, बिल्ड बॉडी, बॉडी को बिल्ड कर सके, रिपेयर डैमेज, डैमेज बॉडी में जो डैमेज हुआ उसको रिपेयर कर सके, मेंटेन द फंक्शन ऑफ द बॉडी, अपने बॉडी के फंक्शंस को मेंटेन कर सके। सेकंड, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड सैप्रोफाइट। ये हम बिल्कुल बेसिक सा खुद ही समझ लेंगे, बाकी मैंने यहाँ पे आपको आंसर दे रखे हैं, अगर आप इनसे याद करना चाहो याद भी कर सकते हो। सो पैरासाइट्स में क्या होता था, ऑर्गेनिजम्स क्या करते थे, ग्रो करते थे किसी दूसरी बॉडी पे, लिव करते थे किसी दूसरी बॉडी पे, वहीं पे सैप्रोट्रॉपिक क्या करते थे, वहीं पे सैप्रोफाइट जो थे उस प्रोसेस में हो रहा होता था कि ऑर्गेनिजम्स जो है न्यूट्रिएंट प्राप्त करते थे, ठीक है ना, न्यूट्रिएंट्स लेते थे फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर से, जो मर चुके थे, तो उन प्लांट्स और एनिमल्स से वो करते थे। तो उन्हीं के कुछ एग्जांपल्स और आपके कुछ डिफरेंस दिखा रखे हैं, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लिव। आप कैसे टेस्ट करोगे कि एक लिव्स में स्टार्च है, तो ये इसका पूरा आपको स्टेप्स बता रखा है, ये स्टेप्स आप याद कर लेना, ठीक है ना। गिव द ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बताना है प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स की, प्रोसेस बताना है सिंथेसिस ऑफ फूड, फूड कैसे प्रिपेयर होता है ग्रीन प्लांट्स में। सो फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस होता है, और फोटोसिंथेसिस की आप पूरी डेफिनेशन बता देंगे तो वहाँ से भी आपका आंसर हो जाएगा। बाय द वे मैंने यहाँ पे डेफिनेशन जो है एक यहाँ से आंसर से लिखी थी, सो ये डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो। फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस सिंथेसिस ऑफ फूड इन द प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि सनलाइट से प्रेजेंस होती है। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट टू द लीव्स बाय द वेसल कार्बन। ये पूरा जो भी है, ये पूरा हम जो है पढ़ चुके थे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, कि फोटोसिंथेसिस यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डीपली बताया गया, बट वहाँ पे मैंने बिल्कुल एक सिंपल सा बता दिया था कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जो इन इन चीज़ों से बनता है, ठीक है ना। सो इसके बारे में मैंने बिल्कुल आपको बिल्कुल लाइटली समझाया, बहुत ज़्यादा डीप नहीं समझाया। तो अगर आपको लगे कि ज़्यादा डीप समझाना है तो आप मुझे कमेंट कर दें, ताकि मैं एक वीडियो बना सकूँ जिसमें मैं आपको डीपली समझा दूँ, ठीक है ना। सो अगर आप खुद भी पढ़ोगे उसमें से थ्योरेटिकल, आप खुद भी उसमें देखोगे तो आपको खुद को भी क्लियर लगेगा, कोई इतना मुश्किल नहीं था, बट आप समझें कि फोटोसिंथेसिस में क्या क्या ज़रूरत है, जो कि इस आंसर में बताया गया। एक बार मैं पढ़ भी देता हूँ अगर ज़्यादा दिक्कत है तो, कि फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो कि प्रेजेंस होती है सनलाइट में, वाटर एंड मिनरल्स जो कि प्रेजेंट होता है, वहाँ पे आप डायग्राम भी देखेंगे समझ में आएगा, वाटर एंड मिनरल प्रेजेंट होते हैं सॉइल में जो कि एब्जॉर्ब करे जाते हैं रूट्स के थ्रू, एंड ट्रांसपोर्ट टू द लीव्स, और लीव्स में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है ना, बाय द वेजल्स। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन थ्रू द स्टोमेटा। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एयर से लिया जाता है स्टोमेटा के थ्रू, जो कि लीव्स में प्रेजेंट होता है, वहाँ पे स्टोमेटा का भी स्ट्रक्चर बना रखा है। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स। लीव्स जो है वो फूड फैक्ट्री होती है एक तरीके से प्लांट्स की, विच कैप्चर्स द एनर्जी ऑफ द सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसिस मतलब प्रिपेयर करने में, आपको एनर्जी जो है यूज़ होती है प्रिपेयर करने में फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो ये पूरा अगर आप वहाँ पे डायग्राम देखेंगे ईजिली समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में शो विद द हेल्प ऑफ स्केच दैट प्लांट्स आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड, आपको शो करना है विद द हेल्प ऑफ स्केच कि एक प्लांट जो है वो अल्टीमेट सोर्स है। तो यहाँ पर दिखाया गया ये सब लीफ है, इसके द्वारा ईटन करी गई है, उसके बाद फ्रॉग ने ये ईटन करा, उसके बाद स्नेक ने ये ईटन करा, उसके बाद ऐसे ऐसे बर्ड्स ये ईटन कर रहे हैं। सो एक पूरा प्रोसेस है कि कैसे कैसे सोर्स एक दूसरे को सोर्स मिलता है खाना खाने का, फूड प्रोवाइड करने का। सो कुछ फ्लिंदा ब्लैंक्स कि ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ये तो हमें पता ही है। उसके बाद ये चीज़ हमें नहीं पता थी तो ये हमारे को पता चल गई है, द फूड सिंथेसाइज बाय द प्लांट इज स्टोर्ड एज अ स्टार्च, जो फूड सिंथेसाइज किया जाता है, प्रिपेयर करा जाता है प्लांट के द्वारा, उसे स्टोर किया जाता है एज अ स्टार्च, स्टार्च के रूप में स्टोर किया जाता है। इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, ये हमें पता ही था कि सोलर एनर्जी, अभी अभी हमने डेफिनेशन में भी देखा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक जो सनलाइट है वो क्लोरोफिल के रूप में कैप्चर की जाती है, ठीक है ना। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन, ये भी हमें पता ही है। क्वेश्चन नंबर 7, तो यहाँ पे कुछ आपको जो है याद रखने, नेम द फॉलोइंग, तो ये आप याद कर लेना, द पैरासाइट प्लांट विद येल्लो स्लेंडर एंड ट्यूबुलर स्टेम, तो ये कैसकटा, वहाँ पे डायग्राम भी आपको दिखा रखी है चैप्टर में, तो वो सब आप ये तीनों का पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 8 में टिक द करेक्ट आंसर आपको बताना है। सो अमर बेल इज़ एन एग्जांपल ऑफ पैरासाइट एंड द प्लांट्स विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन, सो ये सारे क्वेश्चन आंसर जो है आपने याद करना। ये मेरे ख्याल से मैंने चैप्टर में नहीं पढ़ाया है, मैंने सिर्फ टॉपिक समझाया है, मैंने बहुत डीपली नहीं समझाया। डीपली समझाता तो शायद हमें पता होता, तो डीपली अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी मैं सिर्फ आपको टॉपिक क्लियर करा रहा हूँ, डीपली तो आपको खुद को ही पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, मैच द आइटम इन द गिवन, ये मैचिंग है, ठीक है ना। सो क्लोरोफिल किससे मैच करा, लीव से, नाइट्रोजन बैक्टीरिया से, अमरबेल हमने पीछे ही देखा अभी। सो ये सारे आप क्वेश्चन आंसर क्लियर कर लेना, सो आपका ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। मेरा बस यही मोटिव था कि आपको जस्ट इतना बता दो कि आप जो है समझ जाओ टॉपिक्स क्या है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ऑटोट्रॉफ हेटरोट्रॉफ ये सब क्या होता है। सो एक जस्ट समरी मेरे को बताना मेरा मोटिव था, ठीक है ना। सो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।